और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आज हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में चुनाव को रोकने की मांग की गई है और साथ ही चुनाव से पहले सभी रिजल्ट घोषित करने की भी मांग की गई। आज चीफ जस्टिस कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेंगी। हालांकि आज से ही छात्र संघ चुनाव का नामांकन भी होना है और साथ ही 7 नवंबर को राज्य में एक साथ छात्र संघ चुनाव होने हैं। तो 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और साथ ही ये मांग भी की गई है कि रिजल्ट पहले घोषित किया जाए और साथ ही चुनाव से पहले सभी रिजल्ट घोषित हों। और आज चीफ जस्टिस कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगी और 7 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये जो मामला है ये हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ मांग इस याचिका में की गई है और साथ ही ये भी बताइए कि कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए, लगभग 12 बजे के करीब यह सुनवाई होनी है और खास तौर पर जो छात्र हैं उनकी ये डिमांड है कि जो सेमेस्टर परीक्षाएं कुमाऊं विश्वविद्यालय या तमाम विश्वविद्यालयों ने कराई है उसके रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं और सर्कुलर ये जारी कर दिया गया है कि अगर किसी का प्रवेश नहीं होगा या जिसके रिजल्ट नहीं है या अगली क्लास में उसका एडमिशन नहीं है तो या तो वो छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पाएगा और वोटिंग भी अपना कास्ट नहीं कर पाएगा। इसी को लेकर छात्र जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि लगातार छात्र संघ की ये मांग रही थी कि चुनाव जल्द कराया जाए क्योंकि 1 से 1.5 महीना ये चुनाव वैसे ही लेट हो चुके हैं, तो और नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जानी है, तो ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है उसमें आज चीफ जस्टिस कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और डिमांड यही है कि जो भी छात्र संघ चुनाव हैं उससे पहले सभी कक्षाओं के सभी कॉलेजों के रिजल्ट निकाले जाएं और उसके बाद ही चुनाव कराए जाएं, क्योंकि सरकार भी इस बात को कहती रही है कि पूरे स्टेट में एक साथ छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे और एक ही दिन 7 तारीख को ये चुनाव होने हैं। तो ये कहा जा सकता है अगर हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर आज मिलता है तो आने वाले दिनों में ये छात्र संघ चुनाव लटकते हुए दिख सकते हैं और अगर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो 7 तारीख को चुनाव होंगे। हालांकि आज पूरे स्टेट में अगर देखा जाए तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और कल नाम वापसी होंगी, आम सभा के बाद 7 तारीख को मतदान होंगे और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज ही नामांकन होने हैं और साथ ही आज ही पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी का नाम आगे बढ़ाया है। नैनीताल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद अभी खाली है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए जस्टिस रितु बाहरी का नाम रिकमेंड किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद अभी खाली है और उसके बाद में बड़ी खबर यह है कि कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए रितु बाहरी का नाम सजेस्ट किया है। देहरादून से खबर है, अब राज्य में बिल्डिंग बनाने के मानक बदले जाएंगे। जोशीमठ आपदा के बाद से ही ये कवायद शुरू हो गई थी। पहाड़ों में बिल्डिंग बनाने के मानक बदल सकते हैं, पहाड़ में भवनों की ऊंचाई कम हो सकती है। एनडीएम की सिफारिश पर सरकार होमवर्क में जुटी हुई है, तो वहीं पहाड़ के जिलों में असुरक्षित मकान को चिन्हित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में जो आपदा आई, बड़ी बड़ी दरारें देखी गई, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उसके बाद से ही ये खबर चर्चा में थी कि घर बनाने के जो मानक है वो बदले जा सकते हैं और अब कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है वो ये मिल रही है कि जो घरों की ऊंचाई है उसको कम किया जा सकता है। तो देखिए, पहाड़ों में मानक बदले जा सकते हैं क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी जानकारी दे चुके हैं बीते दिनों कि जो पहाड़ हैं
वो काफी ज्यादा कच्चे हैं, तो ऐसे में जब ऊंची बिल्डिंग यहां पर बनती है तो उनके धड़कने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात लाइव जुड़ गए हैं, सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, बिल्डिंग्स की जो ऊंचाई है वो कम की जाएगी मानक में, ये तो जानकारी मिल रही है, इसके अलावा और क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, जोशीमठ भू दशाओं के बाद दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से सामने आई थी कि आखिर जो जोशीमठ भू दशा हुआ उसके पीछे क्या कारण था। इनमें जो चीज़ें निकल कर आई, पहली बात ये थी कि जोशीमठ की जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा यानी अपनी लिमिट को पार कर गई थी। दूसरी जो मुख्य बात थी कि वहाँ पर जो प्राकृतिक झरने थे, जो नदी नाले थे, उनके ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो गया था, लोगों ने वहाँ पर भी मकान बना लिए थे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, जोशीमठ में 7-7 मंजिला होटल वहाँ पर बने हुए थे, जबकि जोशीमठ वो इलाका है जो भूकंपीय दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। इसके बाद ये चिंता जाहिर की जाने लगी, जो साइंटिफिक रिपोर्टों में भी ये बात सामने आई कि पूरे राज्य में इसी तरह से, खासकर हिल स्टेशन पर, इसी तरह से अनियंत्रित तरीके से निर्माण कार्य वहाँ पर संचालित हो रहे हैं। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो तमाम ऐसे हिल स्टेशन है, चाहे उसमें हम नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, लैंसडाउन की बात करें या फिर अल्मोड़ा की बात करें, सरकार ने कहा कि इन तमाम शहरों की, तमाम सिटीज़ की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो बेयरिंग कैपेसिटी है, उसका आंकलन किया जाए कि आखिर यहां पर कहीं इसी तरह के जोशीमठ जैसे हालात पैदा न हो। उसी के मद्देनजर ये बिल्डिंग बायलॉज अब लाया जा रहा है, आवास विभाग इस पर होमवर्क में जुट गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक ठोस बिल्डिंग बायलॉज बनाएं ताकि पहाड़ों में वहां की भौगोलिक के अनुरूप निर्माण कार्य हो सके। इसी के तहत जो नया बिल्डिंग बायलॉज है, अभी तक पहाड़ों में आप 12 से 15 मीटर तक के जो भवन की ऊंचाई है वो रख सकते हैं, लेकिन अब इस बिल्डिंग बायलॉज पर होमवर्क हो रहा है उसमें ये ऊंचाई कम की जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं पर जो प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक झरने हैं, नदी नाले हैं, या फिर तीव्र ढलान है, या फिर भू दशा वाला एरिया है, वहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में पहाड़ों में भी वहाँ पर मकान बनाने की अनुमति न मिले। इसी तरह से मैदानी क्षेत्रों में भी इस पर विचार हो रहा है कि यहाँ पर ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा जाए, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको ग्रीनरी का भी सर्टिफिकेट देना होगा, ग्रीन बिल्डिंग का भी उनको सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा जो बड़े प्लांट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर सोलर एनर्जी का भी एक प्रावधान इसमें किया जा रहा है कि वहाँ पर जो छतें हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज किया जाए ताकि अधिक से अधिक ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा सके। तो इस बिल्डिंग बायलॉज पर अभी होमवर्क हो रहा है, आने वाले समय में ये स्पष्ट रूप से सामने भी आ जाएगा। तो अभी ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है, इस पर काम जारी है, जल्द ही ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर क्या कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चमोली से खबर है जहां पर सिगड़ी नाले में बनी झील से निचले इलाकों को कोई भी खतरा नहीं है और झील से पानी का रिसाव भी शुरू हो गया है। एसडीआरएफ और साथ ही वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके का सर्वे किया और वहां जाकर देखा कि झील से पानी का रिसाव हो रहा है, लिहाजा यहां पर बड़ी झील बनने की संभावना नहीं है। सर्वे टीम का कहना है कि बारिश और बर्फबारी के बाद में जैसे जैसे पानी बढ़ेगा तो झील का रिसाव भी तेजी से होगा, लिहाजा झील से कोई भी खतरा नहीं है। और देहरादून में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ी और नामी वन डेयरी पर छापेमारी की है और 600 किलो से ज्यादा नकली पनीर यहां से बरामद किया गया। डेयरी मालिक शादाब इस नकली पनीर को यूपी के रामपुर से खरीद कर लाता था और फिर देहरादून में बेचा करता था। इसकी लंबे समय से शिकायत भी मिल रही थी जिसके बाद भी आज फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये नकली पनीर है जो कि यहां से बरामद किया गया है और त्योहारों के मौके पर इस तरह की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो लगातार फूड सेफ्टी विभाग कार्रवाई भी करता है। कई जगह पर छापे भी मारे गए थे इससे पहले और साथ ही सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाते हैं। तो ये कल की जानकारी आपको बता रहे हैं जहां देहरादून में 600 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद किया गया। ये भी चार पाँच क्विंटल के तकरीबन। अच्छा, तो कितने रुपए किलो आपको मिल रहा था? ये 240 रुपए। 240 रुपए किलो, तो आपने कभी पूछा नहीं कि इतना सस्ता? बस सर, हर कोई सस्ते के चक्कर में जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। तो कहाँ कहाँ बेचते हो इसे? तो सर कैमरे पे ना लो, इस बात को तो मैंने इनको बता दिया है। कहाँ कहाँ वैसे देहरादून में बेचते हो या कहीं और बेचते? ये हनुमान चौक साइड जाता है। इस अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इनके बारे में बहुत समय से हमारे पास एक शिकायत भी थी और हमारा जो
इनपुट्स हैं हमारे पास जो आई हुई थी उसके आधार पे हमें कई दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे, तो ये हमें पता लगा और आज जो शिकायत भी थी और जो रेकी हमने की वो आज सही प्रूफ हो गई है, ये आपके सामने है। कितना सामान पकड़ा गया है सर आज? ये अबाउट 6 क्विंटल के आसपास है। नैनीताल के ज्वाली कोर्ट में अवैध मदरसे पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंची, जिसके बाद में इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मदरसे के साथ में यहां अवैध तौर पर बने शौचालय भी ध्वस्त किए गए। बीते दिनों ज्वाली कोर्ट में अवैध मदरसे की शिकायत के बाद में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद में 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे। इन बच्चों में कई बीमारियां भी पाई गई थी और इन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा था। वहीं इनके खाने के इंतजाम भी बहुत ज्यादा खराब थे, जिसके बाद में इन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन ये नोटिस का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे, जिसके बाद में मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। और इस मदरसे में पिछले कुछ समय से जब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिली थी, जब मामला संज्ञान में आया था उसकी पूरी तस्दीक की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इसका जो मदरसा वाला भाग बना हुआ है ये एक अवैध स्ट्रक्चर है, और इस संबंध में इनको विधिवत नोटिस भी जारी किए गए कि अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इनका पक्ष भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने इसको डोमिनेशन करने का निर्णय लिया था। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद में देहरादून के काबुल हाउस को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खाली करवाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के लोग काबुल हाउस को खाली करवाने पहुंचे, जिसमें कई घरों के सामान को भी बाहर फेंका गया और घरों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। इसमें से कई परिवार कई सालों से यहां पर रह रहे थे, लेकिन सभी के घरों को खाली करवा दिया गया। काबुल हाउस को साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनाया था और उनके वंचित बंटवारे के दौरान में पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद से ही काबुल हाउस पर कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना घर होने का दावा किया था और लंबे समय से काबुल हाउस में 16 परिवार रह रहे थे और बीते 40 सालों से काबुल हाउस का मामला डीएम कोर्ट में अटका हुआ था, जिस पर फैसला सुनाते हुए डीएम ने काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया और उसमें रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। मेरे सास ससुर है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो आदमी मेरे सिर पे है नहीं, और अभी ये स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? अब मेरे ससुर भी लाचार है पैर से, अब बस थोड़ा सा मैं सरकार से यही कि हमें थोड़ा न्याय करें हमारे साथ। सर हमें यहाँ रहते थे 100 साल करीब हो गए, दादा परदादा हमारे यही गुजर गए सब, ठीक है, और हमें यहाँ से बिल्कुल सामान हमारा बाहर निकाल दिया गया है, और हमें एसटी ऑर्डर भी बता रहे हैं, एसटी ऑर्डर दिया था नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है, और हमें क्या बोलते हैं नोटिस दिए थे, वो नोटिस भी हमें टाइम से नहीं मिले यहाँ पे। ये जो घटना हुई है, अभी आपने देखा है कि बिटिया की शादी है घर के अंदर, 11 तारीख की शादी है, दिसंबर 11 तारीख की शादी है, और शादी है, शादी को अब ये बिटिया मुझे बताओ ये परिवार कहाँ जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ था निकराज संपत्ति के संबंध में, जिसमें 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था। ये 15BEC रोड है, जिसका वर्तमान नंबर जो नगर निगम में 24 नंबर है, इस पर 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था और इन्हें एक निर्धारित समय अवधि दी गई थी कि उस अवधि में ये अपने इस अध्यासन को हटा लें अथवा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अपनाते हुए इनको हटाया जाएगा। उसी क्रम में हमने इनको नोटिस सर्व कराया था और निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के उपरांत आज ये कार्रवाई की जा रही है। गुजरात दौरे से सीएम पुष्कर सिंह धामी लौटकर दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में सीएम धामी ने कहा कि गुजरात में निवेशकों को अच्छा रुख देखने को मिला है। गुजरात के कई सेक्टर के लोग उत्तराखंड में पहले से ही काम कर रहे हैं और उसे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। इस समय 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के करार किए जा चुके हैं। टूरिज्म, फार्मा, एग्री के क्षेत्र में भी कई करार किए गए। चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो, या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है, और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है, उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं।
लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों के निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1,00,000 करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी बड़ी वजह देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा इलेक्शन को माना जा रहा है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर कहा है कि यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगुवाई करने वाला पहला राज्य है। ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट भी तैयार कर चुकी है, जो कि खुद कमेटी ने कहा, लेकिन इसके बावजूद इसी सितंबर में कमेटी ने जनवरी 2024 तक 4 महीने का और समय मांग लिया। इधर मंगलवार को अपने यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार यूसीसी लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार का गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे, उस कानून को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। भाई मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है और हम बहुत जल्दी, जैसे ही हमको संकलन जो कमेटी है उसने कर लिया है वो संकलन हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार से लेकर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई है। हालांकि जानकार कहते हैं कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में चुनावी शोर शराबे के बीच सरकार इसे कुछ समय के लिए अभी टाल सकती है। जबकि बीजेपी संगठन का साफ कहना है कि चुनाव से यूसीसी का लेना देना नहीं है। चुनाव परिणाम से कोई विषय नहीं है, जो चीज जो ड्राफ्ट बनकर तैयार है वो कभी भी जनता के सम्मुख होगा, इसे चुनाव से को देखते हुए इस पर विचार कभी नहीं किया गया, न ऐसा सोच के यूसीसी का गठन करने का विचार है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे, लिहाजा दिसंबर में यूसीसी को लेकर हलचल बढ़ सकती है और 27 जनवरी को कमेटी का कार्यकाल भी खत्म होगा। लिहाजा अब यूसीसी के लिए सभी की नजर अगले 2 महीनों पर है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में जल्द ही नई और मॉडर्न मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को सब्जी फल अनाज बेचने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैक्सिको दौरे से लौटकर ये बात कृषि मंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि मंडी के लिए जल्द ही जमीन खोजी जाएगी जिसमें साफ सफाई के साथ ही सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि मंडियों में साफ सफाई रखी जाए ताकि किसानों और खरीदारों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए उसमें एक ही मंडी के अंदर सारी सुविधाएं वहां पर होंगी। लोकसभा चुनाव में भले ही वक्त हो लेकिन कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में तो ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर एमपी का चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अब तो नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने ही अपनी इच्छा जग जाहिर कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधम सिंह नगर के हमारे साथियों ने कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी का मजबूत आधार है क्योंकि वो बाजपुर से विधायक है और यूपी के दौर से अब तक काटिमा से लेकर लोकसभा के अंतिम शोर बेताल घाट तक से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी सब पर भारी है। कांग्रेस नेता कई नेताओं की एक लोकसभा सीट से दावेदारी को पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र करार दे रहे हैं। देखिए भुवन कापड़ी जी भी कह रहे हैं, आदेश चौहान जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस में ये पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपना आवेदन करने की पूरी इसमें आजादी है
और हाई कमान का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से पहले खुद युवा विधायक सुमित हृदेश, भुवन कापड़ी, आदेश चौहान और प्रवक्ता दीपक बलियुतिया चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यही नहीं, पूर्व सांसद महेंद्र पाल भी अपना दावा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस में एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत फिट बैठती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विकासनगर के हर्बर्टपुर क्षेत्र में जगह जगह किराए के मेडिकल गोदाम खोले गए हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश से दवाइयां लाकर रखी जा रही हैं। कई गोदामों के बाहर बोर्ड तक नहीं लगे हैं और ना ही मानक के अनुसार गोदाम के अंदर फार्मेसी फ्रिज रखा गया है। और पहले भी ड्रग्स कंट्रोल विभाग और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की थी, जिस दौरान करोड़ों की एक्सपायर दवाइयां पकड़ी गई थी। गोदामों में कुछ दवाइयां ऐसी भी थी जो कि प्रतिबंधित थी। ड्रग्स इंस्पेक्टर का कहना है कि जल्द ही फिर से छापेमार कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों हमने यहाँ पे एक ड्राइव चला करके पचवादिन क्षेत्र में भी काफ़ी दुकानों पे कार्रवाई की है। तो इस तरीके के जो गोदाम हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया उस दौरान, अभी संज्ञान में आया है तो इसमें हम और सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे दोबारा से। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में कृषि महोत्सव की शुरुआत हुई है, इस दौरान में 8 रथों को गांव के लिए रवाना किया गया, सांसद निशंक भी मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि देहरादून स्मार्ट सिटी पर कितना बजट खर्च हुआ है और क्या दून वैली मास्टर प्लान के तहत में काम हुआ है। राज्य के 16,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में संचायिका के पैसों की जांच होगी और दून में हुए खुलासे के बाद में सभी रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। छात्र संघ चुनाव के प्रचार को लेकर देहरादून में गढ़वाली में नारेबाजी हो रही है, साथ ही स्थानीय भाषा में भी मैनिफेस्टो भी रखे जा रहे हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के नैनीताल कैंपस में चुनाव प्रचार जोरों पर है, कई निर्दलीय उम्मीदवार बड़े संगठनों के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में अचानक से सीवर लाइन लीकेज हो गई, जिससे कि गंदा पानी नरसिंह मंदिर में पैदल मार्ग पर फैल गया। अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में एक शख्स से 1 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की गई है, तस्कर चरस बेचने के लिए हल्द्वानी जा रहा था। रामनगर कॉर्बेट पार्क में लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहां एक पार्किंग तक मौजूद नहीं है, जिला प्रशासन पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा है। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे अब धाम में भी ठंड बढ़ने लगी है। इस बार अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर में उद्यान विभाग की योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, 3 हेक्टेयर जमीन पर गेंदे का फूल की खेती की जा रही है, जिससे कि 150 से ज्यादा लाख रुपए की आमदनी होगी।